सो गाइस 4:55 पे उठ गई थी मैं। देखो बाहर भी अंधेरा है अभी, सो गाइस सबसे पहले मैंने उठ के अपने बाल कॉम करे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखे थे। एंड मम्मी भी उठी हुई थी, बट मतलब जागी हुई थी, मम्मी लेट रही थी वैसे ही। और फिर मैंने चोटी बना ली और फिर उसके बाद नहाने के चली गई थी मैं चोटी बनाने के बाद। फिर वहाँ से नहा के आने के बाद फिर मैंने की पूजा। सो गाइस पूजा पाठ के काम निपटाने के बाद मैं आ गई किचन में। एंड फिर मैंने आटा बनाया तो मम्मी भी आ गई थी तब तक। फिर मम्मी पानी भर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। तो सुबह सुबह से बहुत काम होते हैं। सो गाइज दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, रोटी एंड सब्जी रात वाली एंड चाय। सो गाइज फिर ब्रेकफास्ट करने के कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लेके फिर मैंने किया अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो जो मेरी वर्कआउट की क्लासेस होती हैं तो मैंने अपनी क्लास ली। बट अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरा जो बर्थडे था तो काजल के व्लॉग पे कमेंट आ रहे हैं कि तो चिल्ला क्यों रही थी ये वो, तू काजल से जलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी भाई, मतलब एक वर्ड है जलन, ठीक है। जिंदगी मेरी ज़िंदगी में ना 1000 टेंशन है, मेरे को सिर्फ यही काम नहीं रह गया कि मैं मुंह उठा के किसी से भी जलूँगी, ठीक है। और पहली बात तो वो मेरी सगी बहन है तो मैं उससे क्यों जलूँगी। पहली बात अगर मेरे को जलना ही होता तो मैं धूप में जा के ठंड में जा के ना तो इसकी वीडियो बनाती, इसको 24 घंटे मोटिवेट करने वाली भी मैं ही हूँ, ठीक है। ये तो बच्ची है, अगर इसको मैं मोटिवेट ना करूँ, हमारे घर में कोई इतना एजुकेटेड भी नहीं है, मेरी मम्मी भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसको मोटिवेट करने वाली समझाने वाली मैं ही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज ये जो भी है मेरी वजह से है, बट इसका हार्ड वर्क है, बट मेरी भी कोई वैल्यू है इसकी लाइफ में। मैं इसके लिए स्टैंड लेती हूँ, इसको समझाती हूँ क्या करना क्या नहीं करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, 1000 टेंशन है, मेरे को एक यही मुद्दा नहीं रह गया कि मैं अपनी सगी बहन से जलूँगी, ठीक है। पहली बात, सबसे बड़ी बात, मेरी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं मेरी खुद की लाइफ, मेरे खुद के काम हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को अपना ही मेरा दिमाग में मेरी जो खुद की लाइफ है ना उससे रिलेटेड ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं किसी से क्यों जलूँगी, ठीक है। और रही बात, उस टाइम मेरा मूड काफ़ी चीज़ों को लेके ख़राब था और उस दिन ठंड भी थी, इसलिए मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, मतलब मेरे को मेरा बर्थडे मनाने का मन नहीं था। मेरे को ये था मौसम सही हो जाएगा, मैं सेलिब्रेट कर लूँगी, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मेरा सर फट रहा था, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था केक वेक कट करने का, बिल्कुल 1% भी। और काजल उस दिन बाहर गई हुई थी, ये बिल्कुल रात को लेट आई थी, तो उस इसलिए मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो मतलब और भी बहुत सारी है बट मेन रीज़न ये भी थे। और अगर ये उस दिन घर पे रहती तो दिन में ही सेलिब्रेट कर लेते, बट रात हो गई थी, ठंड लग रही थी और मेरा सर फट रहा था बिल्कुल ही, दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरा कुछ मन नहीं था और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मतलब जिस टाइम पे मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी वो टाइम वो मुहूर्त वो निकल गया था, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ था। बट फिर भी मैंने, इन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि केक कट कर ले ये वो, फिर मैं कहा चल ठीक है अब ले आए तो कट तो करना पड़ेगा, बट मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। एंड बस
क्या ही बताऊं यार, अब रोज ही एक एक बात को बार बार कैसे पिटूं। बट लोगों को समझना चाहिए, हर किसी की कुछ फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं। ठीक है, मेरे को एक यही काम नहीं रह गया कि मैं मेरी बहन से जलूंगी या मेरी माँ से जलूंगी या ये मेरे से जलेगी। और मेरे से कोई जलता भी है ना भाई, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचो, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ इतनी वो है ना, मेरे को खुद से ही फुर्सत नहीं है, दूसरों का तो मैं क्या सोचूंगी। मेरी खुद की लाइफ में इतनी झंडोई पड़ी है, मेरे को खुद की बहुत टेंशन है भाई। मैं किसी के बारे में 1% नहीं सोचती दुनिया में, मैं मेरी बहन के, मेरी माँ के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। हाँ, अगर सोचती हूँ तो मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, वरना मैं फालतू का डंग बडंग नहीं सोचती। और जिसके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ भरा रहे, आई डोंट केयर, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जिसको जो सोचना सोचे, मेरी खुद की लाइफ इंपॉर्टेंट है। और जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ, मुझे मेरी बहन को कुछ बताना चाहिए, मेरी मम्मी को कुछ बताना चाहिए कि गलत चल रहा है या कुछ गलत करने वाले हैं, तो वहाँ मैं इनको अच्छी तरह से, जैसे मैं एजुकेटेड हूँ वैसे इनको समझा देती हूँ। इससे फालतू ना मैं इनकी लाइफ में इंटरफेयर करती। और ये और भी बहुत सारी है, जैसे ये हो जाती है थोड़ी, ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती है तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, और मैं इनकी लाइफ में इंटरफेयर करूँ तो इनको प्रॉब्लम होती है। तो भाई सबका अपना होता है, तो मतलब सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के मत बैठा करो कि ये वो ये वो, नहीं, लाइफ सबकी है। अब मैं तुम्हारी लाइफ में घुस घुस के इंटरफेयर करूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तो मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए अगर मुझे वो ना मिले और उसके बदले मुझे कुछ और धक्के से दे, तो मुझे बुरा लगता है। तो प्लीज़ इंटरफेयर मत किया करो दूसरों की लाइफ में। अभी वर्कआउट करके हटी हूँ मैं, एंड अभी 2 बज गए हैं, अब छत पे जा रहे हैं 15-20 मिनट के लिए, तो चलो चलते हैं छत पे, धूप लगाएंगे वहाँ पे। सो गाइस, मम्मी कर रही है कॉन्गी एंड मैं खाऊंगी गन्नी। लिया क्या कराई बता, गंडे चूसा है, चूस ले दंद दाड़ मजबूत होगा, सब ना चूसने चाहिए दाडा दाडा दंदा के लाज। कल तो जवान जाकत बुढ़े आले काम कर रहे ठावा मेरे जूस की दुकान पर खड़े हो जा रस पीण खातर, रस वो तो पेट मजागा, इन तो दंद मजबूत होगा कुछ भी काट सका दंद गंडा चूस का, और घने साल तक चल ना कीड़ा लगता, घने फायदे होगा है इसके तो गंडा चूसण के। थम्बी लगे रहो बेटा, शाबाश करो सारे ही काम गंडे चूसण का दाडा दाडा। फिर उसके बाद मैंने बैठ के पूरा गन्ना खाया, मेरी जीभ में दर्द हो गया था खाते खाते, बट बहुत टेस्टी था बहुत ज़्यादा। और यहाँ वीडियो ब्लर बनी है, बट मैंने बैठ के पूरा ख़त्म कर दिया, जैसा कि आप वीडियो में थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, थोड़ा सा रह गया था, सारा ख़त्म कर दिया मैंने। सो गाइस, एक गन्ना मैंने पूरा फिनिश कर लिया, और वहाँ पे मम्मी क्या करा रही, क्या करा, तो वहाँ मम्मी चूल्हे ठीक कर रही है। सही नहीं था, सारा लीप दूंगी भी आज ही, मैं त्योहार हंसा चूल्हे का। कर ले तो मैं पानी दे दूं सारे को।
अच्छा हाँ लग रहा था मुझे भी। हाँ कैमरे के लिए फिर बाद में फोन भी ले लिया अपना। सो गाइस ये लीप दिया मम्मी ने और मैंने पानी दे दिया इनमें। और वो वहां पे मटर मटक रही है छत पे। सो गाइस विद टाइम मेरे 16 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिया दमन नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो मेरे 16 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं 17 कर रही हूँ। अब ये 17 भी कभी यहीं कंप्लीट हो जाएगा बैठे बैठे। किसा तूड़ा बोदा बोदा क्यों बोदा से दोबा यो इस मसीह बोदा तूड़ा जमा भी सोचा है आधी दुनिया को घोड़े की लेट भी मिला हुआ इसमें बोलो बड़ी एक मा हुट्टा कोली इबिस मिनट भी यूज करेगी कि नहीं मैं कर लेगी देखो भी बहुत दिन पर होगा पूरा तो कौन दही सुधारा हर चीज में अंग अलग बिना अंग की कुछ नहीं बनती। आ जाए ना ऊपर लटकी रहोगी वह जल्दी जल्दी बना ले। ठीक है ना ठीक है इस पर जमा तो नहीं मम्मी ना उतर जाएगी ना ठीक है अच्छी बात है ठीक है बेबी हाँ जमा ठीक ठाक है ले बना देते तब तो बात कर दे कर दे आहो सिकन लग रही है इसमें सारा सौदा बढ़ गया ले या बढ़ गया न्यू और या बढ़ गया न्यू ठीक सा पांच बार कर चांद तारे ये सूरज ये चांद ये छोटे छोटे बच्चे मुंडी भी लगा दे सो गाइज मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था, मसाले कट कर लिए थे एंड सब्जी कट कर ली थी, धो दी थी, टमाटर कट कर लिए थे सब्जी बनाने के लिए।
गाइस दिस इज ऑल सेट, तो 15 मिनट में बन जाएगी। हालो सही बनाओगे तू तो, छोड़ इसके ऊपर एक बार और ला नीचे तक जान देना। हालो 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 दो दो बला दे नीचे तक जाऊंगे। वाय मेरे बेटे उस मोर ला दे, तने इसमें कलर कम लिया, ये देख रोई ले लिया था फिर दे ली। हालो ऊपर और कर दे, लूंगा हानू हानू बस एक नंबर का काम कर दिया सब। ये बार एक और हानू कर दे कर दो दो बार हानू जान दे पूरा हानू कर दे अड़ता डबो का हानू हानू कर दे नू तो है करा हानू दे उठड़े जा माता की जा हो। हानू देखिया तुम तो आगे काम करे पाए ला सही है, सारे काम सीखने चाहिए जिंदगी में, केवरा कद कौन सा काम करना पड़ जा। सही कर दिया नी ये हदे उठने गैस गैस नीचा बनाए दिया डोरे छोड़ दिए। बस सही बन गई नी बात सी, वाह एक नंबर का काम कर दिया बे। बस इवनी तो चल कर दे। सो गाइस दिस इज माय डिनर, जो सब्जी मैंने बनाई थी वो एंड रोटी, एंड मैं व्लॉग देख रही थी इसलिए बीच में शूट नहीं कर पाई, फिर मेरे को याद आया कि आई शुड। सो गाइस मैंने हलवा बनाया था किता तू सो गाइस आई एम डन विद इवनिंग पूजा, ये सब तो बड़ा लगा। सो गाइस आज काफी कुछ किया क्योंकि आज एकादशी थी, एंड में ये चीज बताना भूल गई मॉर्निंग में, एंड मैं आज मतलब मेरे दो फास्ट थे आज, लेकिन मेरी कल जैसे कि तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, तो मैं दिन में भी सोई थी फिर रात को भी सोई मैं, तो फिर मैंने मम्मी से रात को पूछा था कि मम्मी मैं फास्ट रख लूँ, तो मम्मी बोली अभी तेरी अच्छे से रिकवरी नहीं हुई है तो तू मत रखियो, तो मैं रखना चाह रही थी फास्ट आज एकादशी का, तो मम्मी ने बोला नहीं नेक्स्ट टाइम से रख लियो इतने तो ठीक हो जाएगी प्रॉपर,
और हुआ ये भी था कि जैसे कि बाहर का भी खा लिया था और नूडल्स वगैरह ये वो, और मेरी रिकवरी नहीं हुई है तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा इफ़ेक्ट कर गई थी। हुआ ये था, वैसे तो मेरी तबीयत ठीक है बट अगर मैं अभी इतनी मतलब रिकवरी मोड पे हूँ और इस टाइम पे मैं कुछ गलत खाती हूँ तो वो मेरे को मेरे लिए हार्मफुल होता है, तो ये हुआ था। तो इसलिए मैं आज मतलब कि मैं दिल से तो रखना चाह रही थी, मतलब मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि यार मैंने क्यों नहीं रखा क्यों नहीं रखा, मैं रख लेती मैं, बट फिर यार रिस्क था कि अगर मतलब बाई चांस फिर और तबीयत ख़राब हो जाती, मतलब रिकवरी होनी ही नहीं थी क्योंकि फास्ट में पहली बात तो हम कुछ खाते नहीं और मतलब इतना फास्ट में ना केयर नहीं हो पाती हेल्थ की, भले ही हम कुछ खाएं या ना खाएं मतलब फ़र्क तो रहता ही है फास्ट में देखो। और मेन पॉइंट था ये, और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं यही बताना चाह रही थी कि आज फास्ट था क्यों नहीं रख पाई और आज काफ़ी कुछ किया, एंड आज भी एक मसला हुआ, जब मैं गन्ना खा रही थी तो मैंने मतलब मेरे को टेस्ट आ गया बहुत ज़्यादा, मेरे को अच्छे लग रहे थे, ये आँख में से ना पानी आ रहा है, मम्मी ने वो काजल डाली थी ना इसलिए, तो गन्ना खा रही थी तो मेरे को टेस्ट आ गया तो मैंने पूरा खाया, पूरा खाने की वजह से थोड़ी सी ना जीभ छिलगी मेरी साइड में से, ब्लड भी आया था मेरे को जीभ में से, तो मेरे साथ तो ऐसे होता रहता है यार, मतलब मसले ही होते हैं मेरे साथ तो हमेशा, कुछ कर लूँ मैं कुछ भी कर लूँ चाहे, और गार्डन में पानी देती हूँ ना तब क्या होता है वो मिट्टी के छींटे लग लग के आधे पैर मेरे मिट्टी से मतलब मिट्टी में धंस जाते हैं, मिट्टी और पानी मिक्स होकर छींटे लगते रहते हैं, तो मतलब मैं कुछ भी करूँ मेरा पोपट हमेशा होता है ऑलमोस्ट, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग हमेशा उल्टा ही चलता है। तो ये चीज़ हुई, तो बस, और बाकी आप लोग देख ही लोगे व्लॉग में मैंने आज क्या क्या किया, एंड तो हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी मैं पानी भर के लेके आई थी मेरी बोतल में, दूध लेके आऊँगी फिर मैं सो जाऊँगी थोड़ी रीडिंग वगैरह करके, दैट्स इट। एंड एक लड़की है शायद, पता नहीं लड़का है, उसने बार बार बोला है कि व्लॉग में मेरा नाम लो, महादेव महाकाल महादेव करके कुछ चैनल है उनका, उनकी आईडी यूट्यूब पे, उन्होंने कमेंट करा कई बार, यूपी से है शायद वो, तो अभी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो लास्ट टाइम से कुछ ऐसा चल रहा था तो मैं नहीं ले पा रही थी, तो अभी मैंने नाम उनका ले दिया है, आई होप शी विल बी सेटिस्फाइड, सो थैंक यू आप सब लोग। अरे यार, और हाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहती थी, जो ये इंग्लिश वाले व्लॉग थे मतलब मैं एज अ फन वे में बना रही थी, मतलब कि आप लोग ज़्यादा ही परेशान हो गए, मुझे नहीं पता था कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब चलाती हूँ बहुत ज़्यादा देखती हूँ और ऐसे ऐसे व्लॉग्स देखती हूँ जहाँ पे इंग्लिश मतलब मुझे पता है कैसी होती है बट मैं माइंड नहीं करती, तो मुझे नहीं पता था लोग इतना ज़्यादा माइंड करेंगे। एंड मैं कोई कमेंट ये भी आया था कि हिंदी बोलने में शर्म आती है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक कारण और था मैंने इंग्लिश में बोला, क्योंकि मेरे को ये बोला कि मुझे ना बार बार गवार बोला जा रहा था, ठीक है, अब मैं हरियाणवी बोलूँ तो भी मैं गवार, हिंदी बोलूँ तो भी मैं गवार, मैं इंग्लिश बोलूँ तो भी मैं गवार। अब मैं ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ उन लोगों को कि आप लोगों में से ही कोई ना कोई मुझे गवार बोलता है, चाहे मैं हिंदी बोलूँ चाहे मैं हरियाणवी बोलूँ एंड चाहे मैं इंग्लिश बोलूँ, तो आप लोगों में से कोई ना कोई एक बंदा मुझे हर चीज़ के लिए गवार बोलता है, चाहे मैं कोई कुछ काम भी करूँ तो मुझे गवार बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता यार पढ़े लिखे इंटेलिजेंट कौन से होते हैं बट मुझे गवार बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग कितनी, तुम कौन से स्वर्ग लोक से आए हो, कौन से देवलोक से आए हो, जो तुम कैसे चीज़ें मैनेज करते हो, क्या करते हो कि तुम सही हो और मैं सिर्फ गवार हूँ, तो तुम लोगों ने मुझे गवार का टैग दे रखा है कुछ लोगों ने, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी बिकॉज मुझे तो पता है मैं क्या हूँ, बट कुछ लोग पता नहीं क्यों नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। मैं भी यूट्यूब पे बहुत कुछ ऐसा देखती हूँ बट मैं, वो ठीक है तुम्हारा माइंड है बट मैं कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलती, कभी भी नहीं बोलती, मतलब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना कि मुझे विश्वास उठ जाता है कि लोग ऐसे हैं लोग, बट स्टिल मैं कभी किसी के लिए मजाक नहीं उड़ाती, किसी को जज नहीं करती, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलती,
अभी जिसको गवार सोचना है सोचो, जो सोचना है सोचो, बट मैं वो चीज़ मतलब इसलिए भी ले रही थी, इंग्लिश में मैंने इसलिए बोला कि लोग मुझे गवार बोल रहे थे। भाई अगर कोई इंसान अनपढ़ है ना, वो एक वर्ड भी इंग्लिश का प्रॉपरली नहीं बोल सकता, और कंटिन्यू इंग्लिश में बोलना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि बस एक बात और बोलूँगी, कभी ना इंग्लिश टीचर के पास जाना, वो तुम्हें खुद बोलेगा कि जो प्रॉपर इंग्लिश है ना वो तो अंग्रेजों को खुद भी नहीं आती, अंग्रेजों को भी खुद नहीं आती प्रॉपर इंग्लिश तो, ठीक है। बिकॉज जो अंग्रेज है ना वो मतलब इंग्लिश कैसे बोलते हैं, वो स्पेनिश बोलते हैं, रशियन, फ्रेंच, ये सब लैंग्वेजेस इंक्लूडेड होती है उनकी, प्रॉपर इंग्लिश तो वो भी नहीं बोलते। वो सिर्फ इंग्लिश कब बोलते हैं, जब उनके सामने कोई हिंदू, कोई इंडियन चला जाता है ना और उनसे हिंदी में बात करता है या लिटिल बिट इंग्लिश में बात करता है, तो वो हमारे लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं, वो भी टूटी फूटी, क्योंकि उन्हें उनकी प्रॉपर लैंग्वेज ये नहीं है। उनकी प्रॉपर लैंग्वेज है जैसे फ्रेंच होगी, रशियन होगी एंड स्पेनिश होगी, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उनकी खुद, वो वाली लैंग्वेज बोलते हैं। वो जैसे साउथ वाले हो गए उनकी अलग है, अमेरिकन की अलग लैंग्वेज है थोड़ी सी, तो वो ये नहीं यूज़ करते जो आप लोग समझते हो ना कि हाँ इंग्लिश तो ऐसी होती है वैसी होती है। नहीं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हाँ इंसान, एक समझने वाला समझदार भी वही होता है कि जो समझ जाए कि हाँ बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे जो ऐसे ऐसे इंग्लिश बोलते हैं कि बंदा सोचे अरे बोल क्या रहा है, मतलब ये तो गलत बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है। हर कोई सेंटेंस गलत बोलता है, बट वो गलत नहीं होता, क्योंकि आप इंग्लिश को गलत उस वे में मत लो, आप इंग्लिश को इस वे में लो कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। एक पास्ट और प्रेजेंट की तो गलती होगी ना, थोड़ी बहुत टेंस की गलती होगी, हैज़ हैव हैड बोलते टाइम जल्दी जल्दी फ्लो फ्लो में निकल जाता है मुँह से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंसान गलत ही है। नहीं, जो आप मुझे करेक्ट करेक्शंस करके देते हो ना वो मुझे भी आती होती हैं। बस ये होता है कि जब बंदा फ्लो में बोल रहा होता है ना उस टाइम माइंड में वो वर्ड स्ट्राइक नहीं करता तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से। अब उन वर्ड्स को मैं वापस ले लूँ, अब मैं हर छोटी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूँ यूट्यूब पे बैठ के, तो थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश भी किया करो, हर चीज़ को नेगेटिव वे में या ऐसे मत लिया करो।